दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डिशवॉशर की। आजकल 99% किचन में डिशवॉशर जरूर होता है और 100% टाइम हमने देखा है दोस्तों ये गलत दिशा में ही लग रहा होता है, क्योंकि ये आता है आमतौर पे ईस्ट वाली वॉल पे गैस के आसपास। क्या करते हैं, गैस के नीचे सीधा ओवन आ गया, ओवन के साइड में ही कहीं पे डिशवॉशर लग रहा होता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक साथ नीचे लग रहे होते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये डिशवॉशर आपके घर में, आपकी किचन के अंदर उत्तर दिशा में आना चाहिए, नॉर्थ वाली वॉल पे आना चाहिए और नॉर्थ के मिडल में आना चाहिए दोस्तों। और अगर किसी भी कारणवश दोस्तों ये उत्तर दिशा में आप नहीं लगा पाते, नॉर्थ डायरेक्शन में किचन के नहीं आ पाता है, तो सेकंड पोजीशन इसकी बनती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। किचन का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या किचन का नॉर्थ डायरेक्शन, इन दो जगहों पे आप अपना डिश वॉशर रख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ का और ख्याल करें दोस्तों, इसमें कभी भी बर्तन लगा के नहीं छोड़ने के, बर्तन धुल गए उसके बाद भी डिश वॉशर में लगे हुए हैं। बर्तन जैसे ही धुल जाए आप उसी समय बर्तनों को निकालेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा में मेटल नुकसान करता है दोस्तों। अगर बर्तन लगे रहेंगे वो मेटल वहाँ पे एलिमेंट बढ़ेगा और ये नुकसान देगा दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ का और गौर करें, नॉर्थ डायरेक्शन में डिशवॉशर लग रहा है दोस्तों। अगर इस डिशवॉशर को आप सफाई नहीं करेंगे, इसकी प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे, आपने बर्तन धो लिए आपका काम हो गया, उसके बाद इसकी सफाई ज़रूर करें, अन्यथा ये आपके उत्तर दिशा को बहुत ही ज़्यादा गंदा करेगा। किचन का नॉर्थ अगर गंदा होगा दोस्तों, ये घर में फीमेल मेंबर्स को बीमार कर सकता है। अगर किचन के उत्तर दिशा में कहीं पर भी गंदगी आएगी, स्पेशली डिशवॉशर की वजह से। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।